अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक एंड स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए पांच ऐसे यूज़फुल वेबसाइट लेकर आया हूं जो आपके यूट्यूब के चैनल के लिए, आपके यूट्यूब के वीडियोस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाली हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर जो वेबसाइट है वो है contentideas.io। अगर आप अपने वीडियोस के लिए कंटेंट आइडियाज़ वगैरह ढूंढना चाहते हैं तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इसके लिए आपने करना क्या है, आपने क्रोम ब्राउज़र में आना है, यहाँ पर सर्च बार में लिखना है contentideas.io, ये लिखकर आपने सर्च कर लेना है। तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देखें तो डिफरेंट कैटेगरीज के आपको कंटेंट के आइडियाज़ वगैरह मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखें न्यूज़, ठीक है, एंटरटेनमेंट, नेचर, टेक्नोलॉजी और ब्यूटी एंड फिटनेस, यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज के आपको आपकी वीडियोज़ के लिए आइडियाज़ वगैरह मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप अपने कंटेंट के आइडियाज़ ले सकते हैं और एक अच्छी सी वीडियो यूट्यूब के लिए बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। दोस्तों, सेकंड नंबर पर जो वेबसाइट है वो है गूगल हॉट ट्रेंड्स। अगर आप अपने यूट्यूब के वीडियोस के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक तलाश करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इसके लिए आपने करना क्या है, आपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है, जहाँ पर सर्च बार में लिखना है गूगल हॉट ट्रेंड्स, ये लिखकर आपने सर्च कर लेना है। फर्स्ट लिंक को आपने ओपन कर लेना है। इसके बाद आपने करना क्या, यहाँ पर ये देखिए बॉक्स बने हुए हैं, इस पर आपने टोटली आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है ना। तो सारे बॉक्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देखें यहाँ पर पूरी दुनिया में इस टाइम जो कुछ सर्च हो रहा है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप रीजन भी सिलेक्ट करना चाहें तो आल रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है ना। नीचे आपको डिफरेंट कंट्रीज नज़र आ जाएंगे, आप अपनी मर्ज़ी का रीजन सेलेक्ट करके भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ यूनाइटेड स्टेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें आप यूनाइटेड स्टेट में इस टाइम गूगल पर जो कुछ सर्च हो रहा है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर चेंज भी हो रहा है हर मतलब सेकंड में ये चेंज हो रहा है, यानी कि जो ट्रेंडिंग इस टाइम टॉपिक चल रहे हैं गूगल पर वो यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। तो ट्रेंडिंग टॉपिक तलाश करने में ये वेबसाइट आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। तो दोस्तों, थर्ड नंबर पर जो वेबसाइट है वो है pexels.com। अगर आप अपने YouTube के वीडियोस के लिए कॉपीराइट फ्री वीडियोस चाहते हैं या फिर इमेजेस वगैरह चाहते हैं तो ये वेबसाइट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इसके लिए आपने करना क्या है, अपने क्रोम ब्राउज़र में आना है, सर्च बार में लिखना है pexels.com, ये लिखकर आपने सर्च कर लेना है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का कीवर्ड भी सर्च करके अपनी मर्ज़ी के फ़ोटोज़ या वीडियोज़ वगैरह तलाश कर सकते हैं। अगर आप नीचे हैं तो जितने भी इमेजेस आपको शो हो रही हैं ये टोटली कॉपीराइट फ्री हैं। जो इमेज आपको पसंद है यहाँ पर आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो ये देखें नीचे डाउनलोड होना शुरू हो गया है, ये डाउनलोड होकर आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा, वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आप वीडियोज़ डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने वीडियोज़ पर क्लिक करना है। नीचे अगर आप आएँ तो काफ़ी वीडियोज़ आपको नज़र आ जाएंगे, ये टोटली कॉपीराइट फ्री हैं, आप इनको डाउनलोड करके अपनी वीडियोज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी मर्ज़ी के कंटेंट से रिलेटेड वीडियो तलाश करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का कीवर्ड लिखकर भी सर्च कर सकते हैं वीडियो को। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। दोस्तों, नेक्स्ट जो वेबसाइट है फोन नंबर पर वो है पिक्साबे। ये वेबसाइट आपको कॉपीराइट फ्री वीडियोज़ और इमेजेस के साथ साथ कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक भी प्रोवाइड करती है। इसके लिए आपने करना क्या है, क्रोम ब्राउज़र में आना है, सर्च बार में लिखना है pixabay.com, ये लिखकर आपने सर्च कर लेना है। तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले आपने इधर सर्च बार में अपना कीवर्ड लिखना है, यानी कि जिस कीवर्ड से रिलेटेड आप वीडियोस, इमेजेस या फिर म्यूज़िक लेना चाहते हैं। हम यहाँ पर म्यूज़िक की बात करेंगे क्योंकि कॉपीराइट फ्री इमेजेस और वीडियोस की हम बात पहले कर चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर म्यूज़िक आपको सर्च करके दिखाता हूँ। म्यूज़िक पर हम क्लिक करेंगे, इधर मैं लिखता हूँ सैड म्यूज़िक, ये लिखकर मैं सर्च कर लेता हूँ। तो अब मैंने जो कीवर्ड यहाँ पर सर्च किया था उससे रिलेटेड मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक ओपन होके आ गए हैं। तो जो म्यूज़िक मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर प्ले करके म्यूज़िक को पहले सुन लूँगा, जो म्यूज़िक मुझे पसंद आएगा उसको यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लूँगा। तो यहाँ पर देखें नीचे ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो ये डाउनलोड होकर आपकी फाइल्स में सेव हो जाएगा, आप इसको अपनी यूट्यूब की वीडियोज़ में जैसे मर्जी यूज़ करें, आपको कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। तो कॉपीराइट फ्री वीडियोज़, इमेजेस और म्यूज़िक के लिए ये वेबसाइट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाली है। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। दोस्तों, नेक्स्ट जो वेबसाइट है लास्ट में वो है
चैट जीपीटी बेसिकली एक चैट बोर्ड है जो कि आपके क्वेश्चन के आंसर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्लॉग लिखना चाहते हैं, कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं, अगर आप प्रोग्रामर हैं और कोई कोड वगैरह तलाश करना चाहते हैं, इवन के अगर आप कीवर्ड भी सर्च करना चाहते हैं, तो ये चैट जीपीटी सारा कुछ आपको प्रोवाइड करेगा। अब यूट्यूब के लिए ये कैसे यूज़फुल होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी YouTube की वीडियोस के लिए कंटेंट लिखवाना चाहते हैं या डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं अपनी YouTube वीडियो की, उसके अलावा अगर आप हैशटैग सर्च आउट करना चाहते हैं या कीवर्ड सर्च करना चाहते हैं, तो सारा कुछ आप चैट जीपीटी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, राइट द डिस्क्रिप्शन फॉर YouTube वीडियो ऑन हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। ये मेरा टॉपिक है, इस टॉपिक पर मैं चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन लिखवाना चाहता हूँ, तो मैं ये लिख कर चैट जीपीटी पर सर्च करूँगा। तो आप देखें, मुझे इसने यहाँ पर एक टाइटल भी लिख के दे दिया है कि आप ये टाइटल यूज़ करें, ठीक है ना। ये टाइटल जो है इसने मुझे यहाँ पर लिख के दे दिया। उसके अलावा नीचे इसने मेरे YouTube की वीडियोस के लिए एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन भी लिख के दे दी है। इसके अलावा अगर मैं इसी टॉपिक के कीवर्ड सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, राइट द डिस्क्रिप्शन की जगह मैं लिख देता हूँ कीवर्ड्स, ठीक है ना। ये लिखकर मैं सर्च कर लेता हूँ, यानी कि मुझे इस टॉपिक पर ये आप कीवर्ड चैट जीपीटी लिख के दे देगा। अब देखिए, इसने यहाँ पर मुझे कुछ कीवर्ड लिख के दे दिए हैं। तो इस तरह मैं चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए अपनी यूट्यूब की वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन भी लिखवा सकता हूँ, हैशटैग भी ले सकता हूँ, कीवर्ड भी ले सकता हूँ, उसके अलावा प्रॉपर एक कंटेंट या स्क्रिप्ट भी ले सकता हूँ। तो दोस्तों, ये वो 5 वेबसाइट थी जो कि आपके YouTube के चैनल के लिए, आपके YouTube की वीडियोस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सकती हैं। तो इनको आपने चैनल के लिए लाजमी यूज़ करें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक या लाजमी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।